इन्फो में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रम में अवैध हथियारों द्वारा हवाई फायर करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 युवक अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि उक्त युवक इन्फो कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां आरोपियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सम्मेलन में हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों से 2 अवैध देसी कट्टे भी बरामद किए हैं, जिनसे उन्होंने हवाई फायर किए थे। गौरतलब है कि पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित पंचवटी वाटिका में बुधवार को इन्सो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें इन्सो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी पहुंचे थे। जब चौटाला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी कार्यक्रम में पहुंचे मोटरसाइकिल सवार आधा दर्जन युवकों ने वाटिका के बाहर अवैध हथियार से हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए, लेकिन उस समय मामले की पुष्टि नहीं हो पाई थी। अभी इसमें हमने 4 लोग गिरफ्तार किए हैं, इसमें एक लोकेश सुनो बुधराम, दूसरा है दीपक सुनो धर्मवीर, तीसरा है दीपक सुनो अशोक कुमार और चौथा जो इसमें है सुनील कुमार, ये सभी चांदट के रहने वाले हैं। इसके अलावा 2 नाम अभी इसमें और नए आए हैं, एक तो ललित जो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, और ललित के अलावा एक आदमी का और अभी जो फुटेज में दिख रहा है, जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की, एक आदमी हुआ है। नहीं, गोली चलाने के अलावा इनके ऊपर अभी तो जो लोकेश है उसके संबंध में अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पहले भी ये आर्ज एक्ट में इसके ऊपर कोई मुकदमा है जिसमें बेल पे। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।